हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम बात करेंगे IBSEO 2017 के जीएस सेक्शन के आंसर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया एशियन यूथ समिट जो हुआ है 14 से 19 अगस्त तक, वो कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर होगा भोपाल, यानी नंबर सी। 27 पे देखिए, नाविका सागर परिक्रमा जो प्रोजेक्ट है, जो लेडीज ऑफिसर्स ने बनाई है इंडियन नेवी के, तो वो जो सेल बोट तैयार किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है INSB तारिणी, यानी नंबर डी। 28 पे देखिए, ऑन अगस्त 18, 2017 पे कौन से देश ने साइबर कोर्ट बनाया है जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विस के लिए हो? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चाइना, यानी नंबर बी। 29 पे देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है वो कौन से बैंक से 500 मिलियन डॉलर का लोन लिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ओके। 30 पे देखिए, दुबई में जो ICC ODI रैंकिंग का लिस्ट तैयार की गई, उनमें सबसे पहला यानी टॉप रैंक बैट्समैन कौन है? तो ये आप सभी को पता है, विराट कोहली, यानी नंबर ए। 31 पे देखिए, पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप पे जेवलियन थ्रो पे किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा नंबर डी, यानी रिंकू बुड़ा ने। 32 पे देखिए, रिक्विजिशनिंग एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बिल है 2017 में, जो लोकसभा में पास की गई जुलाई 18, 2017 को। तो इसका जो पहला एक्ट है वो कौन से साल में प्रभाव में आया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1952, यानी नंबर ए। 33 पे देखिए, ए बिल जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, इसको तैयार करने के लिए बनाया गया, तो कहाँ पे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश पे। 34 पे देखिए, मानव हस्तक्षेप के कारण कौन से प्रजाति विलुप्त होने का सबसे बड़ा उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर बी, यानी डोडो। 35 पे देखिए, कौन सा इनमें से कौन सा सनलाइट को डायरेक्ट यूज करता है? तो इसका जो आंसर होगा, ये फोटोवोल्टिक सेल भी होगा और सोलर थर्मल सेल भी होगा, यानी आपका आंसर होगा नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 36 पे देखिए, इंटरनेट टर्म www, यहाँ पे ये 4 नंबर w का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब पोर्न, यानी नंबर बी। ओके। 37 पे देखिए, IPv6 इस एड्रेस का साइज कितना होता है? तो इसका साइज होता है 128 बिट्स, यानी नंबर बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइजेस, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज को मान्यता देती है वो है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी नंबर सी। 39 पे देखिए, कौन से राजा के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को नौकरी दी गई थी? ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर डी, यानी औरंगजेब। 40 पे देखिए, मनसबदारी जो सिस्टम है जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, वो कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी मंगोलिया से, यानी आपका आंसर होगा नंबर सी। 41 पे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव विटनेस्ड द रिजेंस ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स, तो 8 दिल्ली सुल्तान्स का साक्षी कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर डी, यानी आमिर खुसरो। 42 पे देखिए, अयोध्या केस में प्रेसिडेंट ने जो आर्टिकल को रेफर किया था वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए, यानी 143। 43 पे देखिए, राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन से फंडामेंटल राइट में इंप्लाइड हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर बी, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 44 पे देखिए, पार्लियामेंट के 2 सीजन के अंदर जो गैप होता है वो मैक्सिमम होता है 6 महीने के लिए, यानी आपका आंसर होगा नंबर बी। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इन्फ्लेशन जब होता है इंडिया में तो मनी सर्कुलेशन RBI कम कर देता है, यानी आपका आंसर होगा नंबर सी, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। 46 पे देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो कौन निकालता है? तो इसका आंसर होगा नंबर सी, यानी द लेबर ब्यूरो। 47 पे देखिए, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? तो गोल्डन रिवोल्यूशन बोला जाता है हॉर्टिकल्चर को, यानी आपका आंसर होगा नंबर डी, और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो होता है वो बोला जाता है जूट को। ओके। 48 पे देखिए, ए कंट्री इज सेड टू बी इन ए डेबिट ट्रैप, तो डेबिट ट्रैप का मतलब होता है जब इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है, इसके वजह से लोन चुकता नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर बी,
इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। 49 पे देखिए जीएसटी से पूछा है, तो यहाँ पे चारों जो दी गई है ये चारों ही सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नंबर डी। 50 पे देखिए इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इंडिया का भी जो डेफिसिट है वो मेनली है ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए एंड गोल्ड एंड सिल्वर के इम्पोर्ट के लिए, ये दोनों ही है, ये इसलिए आपका आंसर होगा नंबर सी यानी ए एंड बी। ओके सो ओके थैंक यू, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।